बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर महासंग्राम जारी है। नालंदा जो कि नीतीश कुमार का गढ़ माना जाता है, जबकि वहां पर भी उनकी स्थिति डगमगाती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी बालकृष्ण जी नालंदा की जानकारी आपको देंगे। बिहार में इस बार कांटे की टक्कर है, कहा जाता है एनडीए और महागठबंधन के बीच, लेकिन लोजपा इस बार एक अपना अलग अस्तित्व लेके बिहार में घूम रही है और चिराग पासवान का बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का नारा जो है कहीं ना कहीं वो जीत की ओर, उनको लगता है कि ये नारा ही उनको जीत दिलाएगा। मेरे साथ नालंदा से प्रत्याशी हैं रामकेश्वर जी, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर वो बिहार में हैं तो बिहार फर्स्ट कैसे करेगा और वो खुद फर्स्ट हो रहे हैं कि नहीं। चूँकि इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव नालंदा विधानसभा क्षेत्र से हमें प्रत्याशी लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान जी ने बनाए हैं और नालंदा विधानसभा क्षेत्र का जो अभी समीकरण है उसमें लोक जनशक्ति पार्टी सबसे आगे चल रहा है। चूँकि कारण है कि नालंदा विधानसभा क्षेत्र से लगातार 25 वर्षों से जेडीयू के उम्मीदवार माननीय श्रवण कुमार जी यहां से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, लेकिन जनता में काफ़ी नाराज़गी है। इस बार जनता का मूड मिजाज चिराग पासवान जी के बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट जो उनका सोच है, उनका नारा है, तो जनता इस बार बदलाव चाह रही है। और चूंकि समीकरण में यहाँ नालंदा विधानसभा क्षेत्र में दूसरे दल के प्रत्याशी कोई नहीं है, चूंकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं गुंजन पटेल जी वो कांग्रेसिया कम और परदेशिया ज़्यादा हैं क्षेत्र के लिए, तो कांग्रेस का तो अता पता साफ है। और माननीय मंत्री श्रवण कुमार जी से काफ़ी लोग नाराज बोल रहे यही कि जो नालंदा जिला में दारू बंद किए तो दारू बंद है, पुलिस पकड़ के ले जाके छोड़ देता है, भट्टी के भट्टी या जवार गिरा 200 रुपये बिक रहा है, बालू का वही अलग थाना बन रहा है, बालू भी एकदम हम लोग के 5000 हो गया, जबकि 2000-2500 रुपये सरकार टैक्स लेते थे 500-600 रुपये ट्रैक्टर, लेकिन ऐसे 2000 में हम लोग के गाड़ी बालू मिलता था, आज 5000 बालू हो गया। पुलिस उसको 30 बरस हो रहा था यहाँ, तो उनको जिता रहा था एक नालंदा के कारण कि हमारा क्षेत्र के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन मुख्यमंत्री जी दारू गाँव में गाँव खोलाएं और फिर वही है इसे बंद करवा करके इतना महंगाई कर दिए, दारू बंद नहीं है, फैक्ट्री गाँव में गाँव खुला हुआ है। श्रवण कुमार जी तो श्रवण कुमार तो मंत्री है, तो उनको ऐसे बंद हुआ था, एक बंद न बंद होना चाहिए, तो चोर बाजारी चल रहा है। सभ्य दिक्कत था, वही ना हम बोले क्या क्या मैंने गांव में सब कुछ है ना जी, कुछ नहीं है, गली चापाकल सब है, कुछ नहीं है, कोई नहीं किए श्रवण विधायक कुछ नहीं किए हैं। अब गांव में दिक्कत है सर? हाँ बहुत दिक्कत है, तब ना दुखी आदमी होगा तब ना बोला जी। आज इसको मतलब क्या होता है, कौची होता है श्रवण कुमार का, हमारा कोई समय पर कोई काम ही नहीं किए, तो कहला उसको कहें बाजे कुमार नाम वो नहीं ठीक है, जिनका विचार होगा उनका पड़ेगा बस। बहुत गरीब घर का लड़का थे वो, अब श्रवण कुमार अब तो बम हो गए, नहीं पहचानते आपको? हाँ काहे नहीं पहचाने, वो ऐवे करते हैं यहाँ, कई बार आए हैं, फिर विधायक बनाइएगा ना। और देखिए 15 बरस से बना रहे, ये वो हमारा नालंदा का मुख्यमंत्री नीतीश जी हैं, तो उन अब फिर दोबारा नालंदा का क्या बनेगा, कौन ऐसा है जो भी तो भोटवा 15 बरस से 20 बरस तक उन्हीं को नहीं जाएगा। आपका मुकाबला एक मंत्री से है जो पिछले 6 बार से लगातार चुनाव जीत रहा है, सरकार के अंग में सबसे सुपीरियर पद पे हैं वो, नीतीश कुमार का सबसे ज्यादा करीब है, नहीं लगता है कि लोहा आपको लेना पड़ रहा है वैसे मजबूत नेता से? नहीं कोई लोहा ईश्वर है ही नहीं है माननीय मंत्री कुमार श्रवण कुमार जी का, कहीं अत्ता पत्ता नहीं रहेगा। आपका विरोध खुद एनडीए के लोग कर रहे हैं, बीजेपी कर रही है, जेडीयू भी कर रही है? अरे बीजेपी विरोध तो मतदाता तो कोई विरोध में नहीं है, और तो चिराग जी तो हमेशा बोलते हैं भाई कि मोदी जी के हम हनुमान हैं, मोदी जी हमारे दिल में बसते हैं,
भाजपा लोजपा भाई भाई जैसा संबंध है। लेकिन मोदी जी आते हैं मंच से एक बार भी चिराग का नाम नहीं लेते हैं। मोदी जी आते हैं मंच से चिराग जी का नाम नहीं लेते हैं दूसरा बात है, लेकिन जनता सब यहाँ समझ रही है, दिल से जुड़ा हुआ रिश्ता है, वह रिश्ता खत्म नहीं होगा। दिल से जो जुड़ा हुआ रिश्ता है मोदी जी के साथ हम लोग मजबूती से खड़े हैं, मोदी जी के समर्थन में हम लोग मजबूती से खड़े हैं। जहाँ जहाँ भी बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव मैदान में बिहार विधानसभा में हैं, लोक जनशक्ति पार्टी हम लोग उनको मदद कर रहे हैं। आप किसके नाम पे वोट मांग रहे हैं? मोदी जी के नाम पे वोट मांग रहे हैं, रामविलास पासवान के नाम पे मांग रहे हैं, चिराग पासवान के नाम पे मांग रहे हैं? मोदी जी जो काम किए हैं इंडिया लेवल पे पूरे भारत में उसके आधार पे वोट मांग रहे हैं कि नहीं? तो मोदी जी के तो साथ हम आज भी है ही हैं, मोदी जी के भी नाम पर वोट मांग रहे हैं, माननीय रामविलास पासवान स्वर्गीय रामविलास पासवान जी के भी नाम पर वोट मांग रहे हैं, चिराग पासवान जी के भी नाम पर वोट मांग रहे हैं, अब खास करके बिहार में परिवर्तन के लिए वोट मांग रहे हैं। भ्रष्टाचार का बोलबाला है, रोज हत्याएं का दौर शुरू हो गया है, माने कि किसी भी मोर्चे पर सरकार सफल नहीं है, हर मोर्चे पर सब विफल है, चाहे शिक्षा का सवाल हो चाहे स्वास्थ्य का सवाल हो, हर मामले में बिहार आज भी पिछड़ा का पिछड़ा है। तो ये राम भी हैं और ईश्वर भी हैं, और राम और ईश्वर दोनों मिला के मोदी जी हमेशा चुनाव जीतते रहे हैं, और इस बार इनका कहीं ना कहीं मोदी जी का सहारा मिलेगा, विजयी जरूर होंगे। लेकिन चिराग का नारा है कि बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, इसको लेकर ये गांव-गांव घूम रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि ये यहाँ के मौजूदा जो विधायक हैं और निवर्तमान मंत्री हैं श्रवण कुमार को पटकनी देने में कामयाब होते हैं कि नहीं। हम फिर किसी और शख्सियत से बात करेंगे और उनसे जानेंगे उनका हाल कि क्या है इस बार उनकी स्थिति और क्या है जनता का मूड।